हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएमडीएम। माय सेल्फ अजय चौरसिया, मैं आपको प्रतिदिन न्यू बुक डॉक्टर मनोहर रे जी की 2023-24 में जो पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग कोर्स करा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज 8C पिछले वीडियो में करा चुका था, क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करा दिया था। आज हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 8C। ठीक है बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक मैंने पिछले वीडियो में हल कर दिए थे। इन्होंने कहा देखिए जी, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें क्या लिखा है सिद्ध करो, प्रूव दैट, सभी में सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। तो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ 1 + cos θ / cos θ / cos θ / cos θ ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है बेटा, इनटू 1 - cos θ / cos θ, ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, और इनटू cosec² θ दिया हुआ है, और इजिप्ट का मुझसे कहा गया sec² θ। ठीक, तो हम सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें LHS, LHS को आप यह पूरा पार्ट यहां उतार के रख दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब ये एक स्टेप यहाँ लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos θ और cos θ, ये हो गया cos²θ, 1 + cos, 1 - cos, तो ये वर्गांतर हो गया, 1 - cos²θ, अलग 1 का वर्ग भी है, और cosec²θ। ठीक बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 - cos² होता sin²θ इंटू cosec² θ / cos²θ। तो यदि आपको ध्यान हो साइन इंटू कोसेक ये होता है 1, तो ये 1 हो गया 1, अब 1 / cos²θ, तो ये आपका हो गया sec²θ, और यह राइट हैंड साइड बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्या किया मैंने, a + b, a - b वर्गांतर लगा दिया। देखो बेटा, इसको 1 का वर्ग लिखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 1 - cos² और 1 - cos² आपका sin² होता है। ठीक है बेटा, जो सर्व संख्या मैंने आपको बताई थी ये बातें आपको ध्यान रखनी, मैं फिर लिखे दे रहा हूँ कि sin θ = 1/cosec θ, तो cosec θ = 1/sin θ, और sin θ × cosec θ 1 होता है, cos θ = 1/sec θ, और sec = 1/cos, और cos × sec = 1। ये आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो याद रखनी, यही tan θ sin θ / cos θ होता है। ठीक है, तो cot हो जाएगा cos / sin। दूसरा, 3 सब संख्याएं बताई थी जिनसे हम मोस्टली सूत्र निकालते हैं, sin²θ + cos²θ 1, और sec²θ - tan²θ, यह 1, cosec²θ - cot²θ, और यह 1। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखो बेटा, 1 - cos² है, 1 - cos² क्या हो जाएगा sin², तो वही लिखा मैंने sin × cosec sin θ × cosec θ 1 हो जाएगा, तो वही लिखा मैंने। तो सारे सूत्र 1/cos, देखो बेटा cos = 1/sec, तो sec = 1/cos, तो इन्हीं सब संख्याओं के आधार पर मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ए पार्ट में दिया हुआ है, ए पार्ट sin θ + cos θ² ठीक है बेटा, आगे दिया हुआ +sin θ - cos θ² = 2, उसी दिखा रहा है। ठीक है बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा, आपने LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को यहां उतारकर एक बार लिखना है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसको यहां लिख देना लेफ्ट हैंड साइड, फिर आप इसका a + b का होल वर्ग करेंगे। तो देखो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, और धन दोनों के गुणनफल का दूंगा, तो 2 sin θ × cos θ। ठीक, इसमें करेंगे तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूंगा। ठीक, यहां देखिए ये आपका कट गया, प्लस का 2 sin θ cos θ,
और माइनस का दो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता। देखो ये सब संख्या मैंने बताई, तो वन ये तो आंसर क्या हो गया, टू, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखिए बेटा, 12 के बी पार्ट में उन्होंने कहा सिद्ध करो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 माइनस कॉस हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड पहले यहाँ लिखनी होती है, यहाँ लिखे दे रहे हैं और आगे हर सवाल में हम नहीं लिखेंगे, आपको सॉल्व करना है, केवल सीखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड में, देखो बेटा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर देखो बेटा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल 1, तो कॉट स्क्वायर उधर भेजो, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा, साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, सिंपल है बेटा। आगे देखिए बिल्कुल इसी तरह 13 का ए पार्ट, 13 का ए, इसमें दिया वो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, बिल्कुल सेल्फ करिएगा इसी प्रकार है। ठीक है बेटा, सेल्फ इसको आप समझ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया और ये आपका सेक स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर दैट्स 1। ठीक बेटा, अब 13 में ए पार्ट दे दिया, ए की दिया था। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं 14 में दिया हुआ बेटा 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए इज इक्वल साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से समझिएगा कितना अच्छा प्रश्न, केवल सर्व संख्याओं का प्रयोग, हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया LHS, तो 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए क्या किया बेटा, यह जो 1 माइनस कॉस ए दिया था, चूंकि मुझे यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो मैंने 1 प्लस कॉस ए का अंश तथा हर में गुणा कर दिया। ठीक बेटा, ऊपर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अंश में यह हो गया वर्गांतर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, हर में रह गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक, और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो ये मान हो गया साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए स्क्वायर से ये कट गया, तो आपका हल हो गया साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो बेटा जो भी सूत्र प्रयोग हो रहे हैं वो सिर्फ आपके ये मैंने सामने पहले से लिख रखे हैं, सर्व संख्याएं अधिकतम यूज हो रही हैं, बाकी ये और आपके सूत्र यूज हो रहे हैं। इन प्रत्येक सूत्र को बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा इनकी, क्योंकि बिना इन सूत्रों के आप ट्रिग्नोमेट्री में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। हाँ बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में फिर कहा सिद्ध करो, अब 15 में भी सिद्ध करने को कहा दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर, जो कल हमको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस ए कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे लेफ्ट साइड लेकर चले चाहे राइट साइड लेकर चले, और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट साइड ले लेते LHS, आप लिखोगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कोसेक को आप देखो
वन अपॉन साइन लिख सकते हैं क्योंकि साइन वन अपॉन कोसेक होता है। कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्यों टेन होता है साइन उल्टे कॉस और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो साइन थीटा और वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और हर में साइन स्क्वायर थीटा, तो अगले स्टेप में वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने पीछे कई क्वेश्चंस में आपने इस तरह का लगाया, अब ये वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ये बनाता है, तो इसको आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे वन माइनस कॉस थीटा और इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वर्गांतर लगा दिया, एक बार जोड़ दिया, एक बार ये इससे स्क्वायर कट गया, तो आपका आ गया वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या किया मैंने, पहले साइन कॉस को तोड़ लिया, लघुत्तम ले लिया, साइन थीटा का स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इस सब संख्या से। ठीक, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, इसमें वर्गांतर लगा दिया, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, माइनस वाला कट गया, तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है अंडर रूट वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए। ठीक है, और यह प्रूफ करवाया और इसको इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इसको प्रूफ करवाया sec a माइनस टेन, sec a माइनस टेन। ध्यान दीजिएगा इस तरह के टोटल चार क्वेश्चन हैं, उनमें से एक ही दिया हुआ, जैसे वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए एक क्वेश्चन दिया होगा, वन प्लस साइन ए मतलब इसका उल्टा, एक दिया होगा वन माइनस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, यानी कि इसी में कॉस लगा देंगे एक बार उसका उल्टा कर देंगे, तो टोटल चार प्रश्न हमारे सिलेबस में है। तो हम इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले LHS, अब ध्यान दीजिएगा वन माइनस साइन ए ओवर वन प्लस साइन ए, मैंने आपसे कहा अगर प्लस ऊपर होगा तो माइनस नीचे होगा, कॉस होगा तो ऊपर नीचे कॉस होगा, तो इसमें हमेशा हर का परिमेयीकरण जो हर दिया हुआ है इसका चिन्ह बदलकर अंश तथा हर में गुणा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है बेटा, हर का चिन्ह बदलकर अंश तथा हर में गुणा, चिन्ह बदलकर, तो सभी क्वेश्चंस में जो भी ऊपर बिंदु दी होगी अंश में उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे वर्गांतर हो जाएगा वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए तो वन माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो बेटा ये हो गया वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और हर में हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, स्क्वायर सेंडर रूट खत्म, तो फाइनली आंसर आ गया वन माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, वन माइनस साइन ए ओवर कॉस ए। अब आप इसको अलग अलग तोड़ लीजिएगा, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ए बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक ए और साइन बटे कॉस को लिख सकते हैं टेन ए, ये हमारी राइट हैंड साइड आपकी। तो बिल्कुल सिंपल, इस तरह मैंने कहा चार क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, तो चार क्वेश्चंस में यह ध्यान रखना जो हर में दिया हो उसका परिमेयीकरण करना यानी उसका चिन्ह बदलकर ऊपर तथा नीचे अंश तथा हर में गुणा करना, सभी में जो अंश में मान दिया होगा उसका होल स्क्वायर बनेगा और हर में वर्गांतर बनेगा। यहाँ वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर हो गया, स्क्वायर सेंडर रूट खत्म, तो वन माइनस साइन ए बटे कॉस ए और अलग अलग तोड़ लिया तो एक बटे कॉस साइन बटे कॉस ये हो गया सेक ये हो गया टेन। सिंपल है बेटा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, 17 में ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है वन प्लस सेक बी, वन प्लस सेक बी ओवर सेक बी और ये हमसे प्रूव कराया गया है साइन स्क्वायर ए ओवर वन माइनस कॉस। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको
लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं एलएचएस, 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए, तो 1 प्लस इसको लिख सकते हो 1 बटे कॉस ए ओवर कंफर्म कॉस ए, क्लियर। एलसीएम लिया हमने तो यह हो गया कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए और हर में 1 बटे कॉस ए, ठीक, कॉस से कॉस कट गया। तो फाइनली आपका क्या रहेगा बेटा, यहां पर देखते हैं आपका क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 ये रहेगा। हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का अंश तथा हर में गुणा करते हैं, 1 माइनस कॉस ए, तो हर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और अंश में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर अंतर हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। एक बार फिर देख लो राइट हैंड साइड आ गई, क्या किया मैंने, सेक को 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस लिख दिया, एलसीएम लिया तो कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, यह 1 बटे कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया तो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए बटे 1, हमको 1 माइनस कॉस ए लाना तो हमने 1 माइनस कॉस ए का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वर्गांतर अंश में हो गया नीचे 1 माइनस कॉस ए, यह साइन स्क्वायर हो गया बटे 1 माइनस कॉस ए। तो बेटा सिंपल है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, सर्व समका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके यह सिद्ध करना है। तो देखो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्वेश्चन नंबर बुक में देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड दी है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ठीक बेटा, मुझे कोसेक और कॉट बनाना है। तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉट कब बनेगा, जब इसके बटे में साइन होगा, तो आप चाहो तो साइन ए का अंश तथा हर में गुणा और भाग कर दो या साइन ए कॉमन ले लो, एक ही बात है, जैसे मैंने अंश से साइन ए कॉमन लिया। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 16 एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 2x है, मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ लिखते हैं 8x प्लस 1, ऐसे लिखते हैं बेटा, इसका मतलब इस राशि का इसमें भाग देते हैं, तो बस यही बात हमको दिमाग में रखनी है, मैंने साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ साइन एक्स का क्या देंगे भाग, तो कॉस ए बटे साइन ए, चूंकि यहाँ साइन है नहीं और माइनस 1 और प्लस 1 बटे साइन ए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, हर में भी हम साइन ए कॉमन लेंगे, तो साइन ए कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1 और माइनस का 1 बटे साइन ए, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैंने क्या कहा जब कॉमन लेते हैं तो जिसमें वह राशि नहीं है तो यहाँ बटे में चली जाएगी, कट गया, ये हो गया आपका कॉट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन ए को लिख सकती हो कोसाइन ए ओवर, यह हो गया कॉट ए प्लस 1, देखिए ये मान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसाइन ए, ठीक। अब आप क्या करिए, जो भी सर्वसंख्या का प्रयोग भी करना, तो कॉट ए प्लस कोसाइन ए इनको एक साथ कर दीजिएगा, माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कोसाइन ए और प्लस का वन, इसको वन को अलग कर दिया, क्यों क्यों याद देखो बेटा, वन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे, ध्यान दीजिएगा ऊपर हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, वन के स्थान पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बटे हर में ये देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए, इसको एक साथ कर दिया, ठीक बेटा, प्लस 1, 1 का मान रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, इसमें वर्गांतर लगा देंगे, तो अगली स्टेप में आप लिखोगे कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए, ये एक कोष्टक है, इसमें लगाया वर्गांतर तो माइनस, यहाँ हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए और इनटू
cos it a plus cot a, सिंपल। बटे हर में देखिए ये cot a माइनस cos a के पहले से रखा है, cot a माइनस cos a के ये पहले से रखा है, ठीक है। इसमें वर्गांतर अंदर लगाया तो ये हो गया cosec a माइनस cot a और cosec a प्लस cot a, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फिर समझ लो, पहले साइन कॉमन लिया तो जहां नहीं था वहां बटे चला गया, ये हो गया cot a माइनस 1 cos प्लस cos a के, सेम नीचे चेन के वाला है। अब मैंने क्या किया, ये जो 1 है 1 को किनारे कर दिया और बन को साइड पे करके बन का मान यहां से निकाला cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। देखो बेटा मेरी सब समका में लिखा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये मान रख दिया। अब इस अंदर जो मान रखा है इसमें मैंने वर्गांतर लगा दिया। अब अंश से देखिए cot a plus cos a की कॉमन है, cot a plus cos a ये हमारा कॉमन है, तो यहां आपका हो जाएगा cot a plus cos a के कॉमन ले लिया तो 1 minus cos a के 1 minus cos a और ये minus minus plus cot a हो जाएगा, plus cot a, सिंपल। हमने देखिए बेटा, हमने आप देख लीजिएगा cot a minus cos a के उसको cot लिख दिया मैंने, cot a cosec स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया cosec, बिल्कुल सही है, cot a plus cosec हो गया, नीचे हो गया cos cot a और minus cosec, इसको कॉमन ले लिया तो देखो cot a minus cosec ही कॉमन लेगा, cot a minus cosec ये कॉमन ले लिया तो यहां बच जाएगा 1 minus cosec a और plus cot a, देख इसको कॉमन ले लिया तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखो बेटा ये आ गया cot a माइनस 1, अब हमने क्या किया इसको लिख लिया cot a प्लस cosec a और 1 को इधर कर दिया बटे cot a माइनस cosec a cot a प्लस 1 और माइनस cos a। अब आपको केवल क्या करना, अंश में देखिए cot a प्लस cos a प्लस cos a 1 का मान रख लीजिएगा, माइनस 1 है बेटा अंश में तो 1 का मान यहां से देखो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इतना लिख सकते हो। अब बटे हर में cot a प्लस 1 माइनस cosec a, सिंपल। अब देखिए बेटा यहां cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इसको वर्गांतर लगा दो तो देखो cot a प्लस cosec a माइनस, जब उसमें वर्गांतर लगाया तो इसको हम लिख सकते हैं cosec a प्लस cot a और लिख सकते हैं cosec a माइनस cot a, सिंपल। बटे बटे में आपका रखा है cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ध्यान दीजिएगा अंश से देखिए यह राशि कॉमन है cot a प्लस cosec a, कॉमन ले लो तो आपने कॉमन ले लिया cot a प्लस cosec a, ये कॉमन ले लिया तो यहां आपका बचा 1 माइनस। अब इस माइनस के कारण यह चिन्ह बदल जाए माइनस cosec a प्लस cot a, माइनस cosec a प्लस cot a ओवर, हर में भी देखो बेटा cot a प्लस 1 cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये दिया बेटा तो देखो cot a प्लस 1 माइनस cosec a cot a प्लस 1 माइनस cosec a है आपका कट गया, तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो आया cot a प्लस cosec a और यही मुझको लाना था, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं cos इसमें मैंने sin a कॉमन लिया तो जहां नहीं था वहां बटे हो गया, जहां था वहां कॉमन मिल गया, ये हो गया cot a माइनस 1 प्लस cosec a cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अंश में मैंने क्या किया इस 1 को अलग किया और 1 का मान रख दिया ये वाला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंगल ए दिया तो लिख दिया, इसमें बनाता लगाया
तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, जुड़ने वाला कॉमन आ गया, तो 1 माइनस कोसेक और इस माइनस कॉट प्लस कॉट, और ये हर से अंश कट गया, बचा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने कहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध सभी में करना है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये जुड़कर मुझे टेन थीटा लाना है। तो देखो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS और साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन। देखो बेटा साइन बटे कॉस ये तो 10 हो जाएगा, आगे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा रखा है और हर में भी आप इसको बना लीजिएगा साइन में, तो कॉस स्क्वायर जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और माइनस वन, ठीक है। तो अगली स्टेप में साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, हर में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 एक 2, 2 में से गया 1 तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और यह आपका कट गया साइन बटे कॉस आपका क्या होता है 10 थीटा, तो यही हमारी राइट हैंड साइड आ रही। फिर समझ लीजिएगा यहाँ पर मैंने सर्वसंख्या का प्रयोग किया है, कॉस थीटा को देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही मैंने यहाँ पर रख दिया है। जब गुणा करेंगे 2 प्लस का माइनस का 1 तो ये प्लस का बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर और यह कट गया। सिंपल है बेटा। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है सिद्ध करो कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और बराबर हमको सिद्ध करना 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए, 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन, 1 बटे साइन माइनस साइन ए, सिंपल। इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और माइनस कॉस ए, ठीक। अब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन, ठीक। यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यह जो राशियां हैं जो मुझे किसमें लाना बेटा, साइन बटे कॉस में बटे 1 माइनस कॉस, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर और बटे साइन ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर और बटे कॉस ए। देखो ये इससे काट दिया या इससे काट दिया, आपका अंश में रह गया कॉस ए इंटू साइन ए, सिंपल, और बटे में बन रह गया। तो देखो बेटा कॉस ए इंटू साइन ए, अपन को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखो 1 बटे इस पूरे मान को बटे में ले जाए, तो साइन स्क्वायर ए के बटे में कर दो साइन ए टू कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर के बटे में कर दो साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू कॉस ए, सिंपल। तो देखिए बेटा 1 बटे, अब इसको अलग अलग तोड़ दिया तो देखो ये कट गया कॉस स्क्वायर कॉस कट गया, तो फाइनली हमारा आ गया 1 बटे, देखो साइन बटे कॉस तो टेन हो गया और कॉस बटे साइन क्या हो गया कॉस, और ये हमारी राइट हैंड साइड। फिर समझ लो, पहले एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस ए, यह आपका बचा कॉस ए इंटू साइन ए, 1 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे को उठा के मैं बटे ले गया, एक ऊपर छोड़ दिया इंटू 1 होगा, और यह दोनों साइन ए कॉस ए मैंने अलग अलग बटे कर दिए, यहाँ प्लस लगा हुआ है कट गया, तो साइन बटे कॉस 10 होता है और कॉस बटे साइन कॉट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन तक
प्रश्नावली 8 सीख के हल कर दिए हैं और आप रेगुलर हमारी क्लास लीजिएगा, आपको आगे के क्वेश्चन बस और इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न रहेंगे और ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 माइनस प्लस, 270 माइनस प्लस, वह मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।